हाल ही में पुलवामा हमले के बाद भारत ने इस काराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के 12 मिराज फाइटर जेट ने पीओके समेत पाकिस्तान के 50 किलोमीटर अंदर जाकर जैश के आतंकियों को तबाह कर दिया है, जहां पूरा देश पाक से बदला लेकर जश्न मना रहा है और टीवी स्टार्स लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट शेयर कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं इसी बीच टीवी की भाभी जी और बिग बॉस 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे को उनके सिद्धू के सपोर्ट में दिए गए बयान की वजह से रेप की धमकी मिल रही है। दरअसल हाल ही में पुलवामा हमले की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने बयान में पाकिस्तान की तरफदारी की थी। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। और सिद्धू के इसी बयान को सपोर्ट करने की वजह से शिल्पा शिंदे को ट्रॉल किया जा रहा है और रेप की धमकी दी जा रही है। बता दें कि शिल्पा ने ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि मैं इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। रेप की धमकी देने वालों के खिलाफ अथॉरिटी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो महिलाओं के लिए इस तरह की बातें करते हैं और सोच रखते हैं। मैं इस तरह की मानसिकता रखने वालों को आतंकी बुलाती हूँ। इनके काम भी जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे गलत ही होते हैं। इतना ही नहीं, ट्रॉल किए जाने के बाद भी शिल्पा ने जो सिद्धू के सपोर्ट में बयान दिया था उस पर वो डटी रही और एक बार फिर उनके सपोर्ट में कहा कि पाजी ने कुछ गलत नहीं कहा, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कोई आतंकवाद का सपोर्ट नहीं किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वो अपने दोस्त इमरान खान के खिलाफ ना बोलकर शायद पॉलिटिकली सही है, क्योंकि आपको यह समझना होगा कि उन्होंने कई सालों तक साथ खेला है, बेवजह ही हर कोई उनके पीछे पड़ा है। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि उनके बयान की वजह से एक जंग छिड़ गई है और अब ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है ये देखने वाली बात होगी।